जिन बच्चों को बुखार है क्या उन्हें स्कूल भेजना चाहिए? शुड चिल्ड्रन हैविंग फीवर बी सेंट टू स्कूल? आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम इन द वेस्ट, बट इन इंडिया ट्रस्ट मी इट्स अ रियली बिग इशू. देखिए, देयर आर टू रीजन व्हाई अ चाइल्ड हु हैज फीवर शुड नॉट गो टू स्कूल. मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस इन अ चाइल्ड आर वायरल. जो बुखार होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, एंड दीज आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर. चाहे कोविड है, चाहे फ्लू है, चाहे इवन हैंड फुट माउथ डिजीज जो आजकल बहुत हो रही है, ऑल ऑफ दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर. एंड यू डोंट वॉन्ट कि आपकी वजह से और बच्चे बीमार पड़े, क्योंकि आपका बच्चा भी किसी और बच्चे की वजह से ही बीमार पड़ा होगा. द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट अ चाइल्ड हु इज अनवेल, he is not going to do a lot in school. मतलब वो वहाँ पे irritable रहेगा, सोता रहेगा, you know, he is not going to really learn anything. That is another reason why a child should rest at home. जितना rest करेगा, उतनी जल्दी ठीक होगा and he'll be able to bounce back and go to school. On a lighter note, and this is just a joke, in spite of this advice, many parents in India बच्चों को फिर भी school भेजते हैं. And that is not a bad thing. बिकॉज जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो और बच्चों को बीमार करते हैं, तो पीडियाट्रिशियंस की ओपीडी पड़ती है. दैट्स अ जोक. प्लीज डू नॉट सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल अगर उसे फीवर है. मेक देम रेस्ट एट होम सो दैट दे गेट वेल सून और बाकी बच्चों को बीमार नहीं करते. मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता एंड आई एम योर पर्सनल चाइल्ड स्पेशलिस्ट.